सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इसी के बहाने कांग्रेस पार्टी भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। इसके अलावा कृषि कानूनों का विरोध करते करते अब कांग्रेस पार्टी दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के भी विरोध में आ गई है। इसी के चलते हाल ही में केरल के कोची में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सचिन के पुतले पर कालिक पोती है। अगर आपको नहीं पता कि सचिन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है तो आपको हम बता दें कि कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कुछ दूसरे देशों के नामचीन लोगों के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था। इसके बाद युवा कांग्रेस के सदस्यों ने सचिन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में कहा था कि भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। विदेशी ताकतें दर्शक तो बन सकती हैं, लेकिन इसमें भाग नहीं ले सकती हैं। भारतीय भारत को जानते हैं और उन्हें ही भारत के लिए फैसला लेना चाहिए। एक देश के तौर पर एकजुट रहे। बता दें कि सचिन तेंदुलकर के इसी ट्वीट के चलते काफी बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग सचिन से सहमत हैं तो कुछ लोग सचिन के खिलाफ हैं और जमकर सचिन का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में कहीं भी देश के किसानों के लिए कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने बस बाहरी लोगों को अपने देश के मुद्दे पर दखल देने से मना किया है। इसीलिए सचिन तेंदुलकर के समर्थक ट्विटर पर आई स्टैंड विद सचिन और इंडिया स्टैंड विद सचिन नाम से ट्रेंड भी चला रहे हैं। इसी ट्रेंड में एक यूजर ने लिखा है कि हमारा रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर है और अपोजिशन का रोल मॉडल मियां खलीफा। एक और यूजर ने लिखा है कि जो लोग सचिन का पोस्टर जला रहे हैं वो असली देशद्रोही हैं। सचिन ने अपनी उपलब्धियों से हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीयों को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर गर्व है। बहरहाल इस तरह के कई सारे ट्वीट किए जा रहे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। वैसे अगर बात करें सचिन के विरोध की और हिंसा की तो किसानों के नेता राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका मकसद सिर्फ किसानों के लिए कृषि बिल को हटवाना है और किसी के खिलाफ प्रदर्शन जैसे कि सचिन के खिलाफ किया जा रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में यह साफ देखा जा सकता है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। वैसे इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी सचिन के साथ हैं तो कमेंट में आई स्टैंड विद सचिन तेंदुलकर जरूर लिखें। साथ ही इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ।